की बार 140 के पार। कीप योर ड्रीम्स हाई बच्चों, बीपीएससी पीटी में हम लोगों को 140 से ज्यादा स्कोर करना है। चलिए इसके साथ ही आज हम लोग टेस्ट सीरीज 9 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 से 15 करेंगे। ये क्वेश्चन का जो सीरीज है थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी यानी खगोलीय भूगोल कर रहे हैं। ऐसा है कि इस टॉपिक पे आने से पहले हम लोग ये बात करें कि आपका जो सौर प्रणाली है, सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम मतलब सन, 8 प्लैनेट्स प्लस अदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। सौर प्रणाली का अर्थ है सूर्य प्लस 8 ग्रह प्लस कुछ और जो हैं खगोलीय वस्तु, जिसके बारे में धीरे धीरे हम लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें से इस मिल्की वे गैलेक्सी में 500 से ऊपर सोलर सिस्टम है। वी हैव मोर देन 500 सोलर सिस्टम्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी एंड ओनली 15% ऑफ द सोलर सिस्टम सपोर्ट्स प्लैनेट। यानी सिर्फ 15% ही सौर प्रणाली है जो ग्रह को मेंटेन कर सकती है या मेंटेन करती है या जिसमें ग्रह है। और इस 15% सौर प्रणाली में से एक हमारा सौर प्रणाली है जिसको हम लोग सूर्य के नाम से, सन के नाम से जानते हैं। हमारे ये सौर प्रणाली, सोलर सिस्टम का गठन, फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हमारा सौर प्रणाली का गठन हुआ था। और जिसे गठन हुआ था उसको हम लोग गैस नेबुला कहते हैं। नेबुला मींस अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। नेबुला का अर्थ है धूलकण और गैसों का एक बादल, गैसीय बादल। और इसी के विघटन से, इसी के टूटने से, इसी के डिसइंटीग्रेशन से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौर प्रणाली में 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स, दे आर 8 प्लैनेट्स। ये जो ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, इनको हम लोग दो समूह में बांटते हैं। वी डिवाइड द 8 प्लैनेट्स इनटू टू ग्रुप्स। वन ग्रुप दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। एक समूह जिसको कि हम लोग बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या इंटीरियर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों? Why are they known as terrestrial planets? इनको हम लोग पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी जैसा इनकी संरचना है। Because they are made up of almost of the same composition as Earth is made up of. They are made up of rocky material. ये चट्टान से बने हैं। इनका धरातल जो है ठोस है। Their surfaces, the surface of these planets are solid. इनमें आप रिंग सिस्टम नहीं देखेंगे जैसे कि सैटर्न में देखते हैं। इनमें बहुत कम चंद्रमा है, दे आर वेरी फ्यू मून्स। इनका जो प्राकृतिक सैटेलाइट है, उपग्रह है, बहुत कम है। आप देखेंगे कि बुध ग्रह में सैटेलाइट नहीं है। तो इधर दे डोंट हैव सैटेलाइट और दे हैव वेरी फ्यू मून्स। आप देखेंगे कि इनकी जो आकार है, साइज है, दे आर रिलेटिवली स्मॉल। मर्क्यूरी प्लैनेट is the smallest planet of the solar system and it takes the least number of days
टू कंप्लीट वन रोटेशन, वेरी सॉरी, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाने में सबसे कम समय बुध ग्रह का होता है। बुध ग्रह एक पार्थिव ग्रह है, इट इज वन ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम और सबसे छोटा ये ग्रह है। बुध ग्रह के बाद आता है आपका वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। यह सबसे गर्म ग्रह है, इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसका तापमान टेम्परेचर 867 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको इसके वायुमंडल में यू विल फाइंड कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे देख रहे हैं हमेशा लावा निकलते रहता है, तो ये हमेशा बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ लावा, बिकॉज ऑफ द हाई कॉन्टेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर, वीनस प्लेटो इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। शुक्र ग्रह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और हमेशा ज्वालामुखीय लावा निकलता है, तो सबसे गर्म ग्रह ये होता है। तीसरा ग्रह द थर्ड प्लैनेट, दैट इज योर इंटीरियर प्लैनेट, जिसको जो कि तीसरे नंबर का आंतरिक ग्रह है, इट इज योर अर्थ। अर्थ इज यूनिक क्योंकि यहां पानी होने के नाते यहां पे लिविंग थिंग्स है ना, वी कम अक्रॉस एन एनवायरमेंट दैट सस्टेन लाइफ। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें कि हम लोग जल के कारण देख रहे हैं कि यहां का पर्यावरण जो है जीव को संचित करता है। और चौथा ग्रह जिसको कि आप टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहेंगे या पार्थिव ग्रह कहेंगे, जिसको आप इंटीरियर प्लैनेट कहेंगे, हिंदी में आंतरिक ग्रह कहेंगे, वो है आपका मार्स यानी मंगल। कहा जाता है कि मार्स पे, मंगल ग्रह पे 3.7 बिलियन वर्ष पूर्व पानी देखा गया था, और हो सकता था उस समय मंगल ग्रह पे, मार्स पे जीव भी हो सकता था। तो ये आपका दे आर फर्स्ट फोर, दे आर योर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। जो आपका अंतिम चार है, जुपिटर जिसको हिंदी में हम लोग बृहस्पति ग्रह कहते हैं, सैटर्न जिसको हिंदी में शनि ग्रह कहते हैं, यूरेनस जिसको हिंदी में अरुण ग्रह कहते हैं, नेपच्यून जिसको कि हिंदी में वरुण ग्रह कहते हैं, इनको जोवियन प्लैनेट्स बोला जाता है। जोवियन प्लैनेट्स का अर्थ होता है जुपिटर लाइक, जो ग्रह बृहस्पति ग्रह की तरह होता है इसको जोवियन प्लैनेट या जोवियन ग्रह बोला जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज आउटर प्लैनेट्स, इनको बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत यह है कि ये बड़े होते हैं, आकार में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ये ज्यादा बड़े होते हैं। जोवियन प्लैनेट्स या आउटर प्लैनेट्स, जोवियन ग्रह या बाहरी ग्रह को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, जुपिटर और सैटर्न को, चूंकि बहुत ज्यादा गैस होता है बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह में, सिंस देयर लॉट ऑफ गैसेस इन जुपिटर एंड सैटर्न, दे आर नोन एज गैस जायंट्स, इनको गैस दानव कहते हैं। और अरुण ग्रह और वरुण ग्रह, नेपच्यून और प्लूटो में बहुत ज्यादा आइस बर्फ देखते हैं, सो दे आर नोन एज आइस जायंट्स। हम लोग सबको बारी बारी से हर एक प्लैनेट को अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से फुली डिस्कस करेंगे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। अब जुपिटर और सैटर्न को हम लोग बात किए कि ये गैस जायंट हैं, गैसीय दानव हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आप बहुत ज्यादा हीलियम और हाइड्रोजन, मुख्यतः मेनली यू विल फाइंड हीलियम एंड हाइड्रोजन। यूरेनस और नेपच्यून को हम लोग आइस जायंट कहते हैं, बर्फ दानव कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको पत्थर, बर्फ, जल, मीथेन और अमोनिया का आपको तत्व मिलेगा। यू विल फाइंड रॉक्स, यू विल फाइंड आइस, यू विल फाइंड मिक्सचर ऑफ वाटर, मीथेन एंड अमोनिया, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आइस जायंट्स। और आप देखेंगे कि जो आउटर प्लैनेट्स है, जो आपके बाहरी ग्रह हैं,
जो जोवियन प्लैनेट्स है, जोवियन ग्रह हैं, इनकी चंद्रमा, इनमें प्राकृतिक उपग्रह, इनका नेचुरल सैटेलाइट बहुत ज्यादा है, संख्या बहुत ज्यादा है। इनके पास पृथ्वी के जैसा कोई धरातल नहीं है, देयर इज नो सॉलिड सर्फेस लाइक अर्थ। आप जाएंगे, यदि आप ऊपर से, यदि ऊपर से एंटर कर रहे हैं, आप यदि ऊपर से एंटर कर रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होगा कब आप नीचे से निकल आएंगे। सो देयर इज नो सॉलिड सर्फेस। जैसे कि आप सैटर्न में देखेंगे रिंग सिस्टम, वलय प्रणाली, चारों ग्रह में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, हम लोग को यही लगता है कि सिर्फ सैटर्न में ही रिंग सिस्टम है, ये गलत है। नासा के ऑब्जर्वेशन के अनुसार जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून सब में रिंग सिस्टम है। एज पर नासा, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, सब पे हम लोग को वलय प्रणाली या रिंग सिस्टम हम लोग देखते हैं। इनकी आकार भी बड़ी होती है। जुपिटर ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दिस इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सैटर्न ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है, ये सौर प्रणाली का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसी को कहते हैं रिंग सिस्टम या वलय प्रणाली। ये चारों जायंट में आप देखेंगे, चारों जोवियन ग्रह में देखेंगे, यू विल फाइंड द रिंग सिस्टम इन ऑल द प्लैनेट्स। देख रहे हैं इस तरह का रिंग सिस्टम जो धूल कण और आइस डस्ट का बना होता है, उसी को हम लोग रिंग सिस्टम में वलय प्रणाली कहते हैं। अरुण ग्रह नेपट्यून, इसको आइस जायंट कहते हैं, बर्फ दानव कहते हैं अरुण ग्रह को। और अरुण ग्रह की खासियत यह है कि ये घूर्णन जो है साइड से करती है, बाकी सारा रोटेशन जितने भी प्लैनेट्स देखेंगे रोटेशन ये ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन अरुण ग्रह ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं, घूर्णन इनका साइड से होता है। अंत में आपका वरुण ग्रह, ये सबसे बाहरी प्लैनेट है, सबसे बाहरी ग्रह है। और इसके बाद आप देखेंगे ये है आपका नेपच्यून, ये है आपका वरुण ग्रह। इसके बाद देख रहे हैं छोटे छोटे धूलकण, छोटे छोटे पत्थर है, इसको हम लोग कीपर बेल्ट बोलते हैं, इसको हम लोग कीपर बेल्ट बोलते हैं। ये है आपका कीपर बेल्ट, इस पे क्वेश्चन भी है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कीपर बेल्ट के अलावा आप जो है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में भी एक बेल्ट देखेंगे, जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं, क्षुद्रग्रह बेल्ट कहते हैं। यह है आपका कीपर बेल्ट, जो कि नेपट्यून, वरुण ग्रह यहां पे है और प्लूटो यहां पे है। यह है वरुण ग्रह, यह है प्लूटो, इसके बीच देख रहे हैं, यह है आपका कीपर बेल्ट। तो कीपर बेल्ट वरुण ग्रह के आगे है। कीपर बेल्ट के अलावा देखेंगे जहां पे सूर्य का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है, सबसे बाहरी भाग में ये इस तरह का बादल जैसा पाएंगे, जिसको कि हम लोग ऊट क्लाउड कहते हैं। ये बर्फ का एक कहिए धूल कण है और सौर मंडल का सबसे अंतिम भाग है, बाहरी भाग है। तो एक इंट्रोडक्शन दे दिए और इसी के बेसिस पे चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच सिस्टम बाइंड्स द सोलर सिस्टम, कौन सा प्रणाली सौर मंडल को बांधता है। क्वेश्चन का मतलब समझिए, ये है सूर्य, दिस इज सन, ये है मरकुरी, हिंदी में कहते हैं बुध, ये है वीनस, हिंदी में कहते हैं शुक्र, ये है अर्थ, पृथ्वी, मंगल, मार्स, और ये है जुपिटर। ये मार्स और बृहस्पति के बीच में, बिटवीन जुपिटर एंड मार्स, यू दिस एरिया इज ऑक्युपाइड बाय स्मॉल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे छोटे छोटे आपको खगोलीय वस्तु मिलेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में क्षुद्रग्रह कहते हैं, अंग्रेजी में एस्टेरॉइड्स कहते हैं। एंड दिस एरिया इज नोन एज एस्टेरॉइड बेल्ट, इन हिंदी इट इज नोन एज क्षुद्रग्रह पट्टी या बेल्ट। फिर जुपिटर के बाद है आपका सैटर्न, शनि ग्रह,
फिर अरुण ग्रह यूरेनस, नेपट्यून वरुण ग्रह, और इसके आगे यहां पे है कीपर बेल्ट। क्वेश्चन ये पूछता है कि ये चारों जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द सन, तो ये एक सिस्टम बना हुआ है और सबका एक अपना एक रास्ता है, फिक्स्ड पाथ नहीं है। कभी आप नहीं देखेंगे कि रोड में एक्सीडेंट हो गया, सबका एक अपना पर्टिकुलर पाथ है, रास्ता है, ऑर्बिट है। ये सिस्टम एक साथ कैसे बंधा हुआ है, कौन सा वो जादुई फोर्स है, यही है क्वेश्चन। विच सिस्टम बाइंड्स द सोलर सिस्टम, कौन सा प्रणाली सौर मंडल को बांधता है? आंसर इज ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। इट इज द सन्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो सौर मंडल को बांधता है। वन का सही ऑप्शन है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट्स द सन इनडायरेक्टली, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का अप्रत्यक्ष रूप से परिक्रमा करता है? देखिए, पृथ्वी के एग्जाम्पल लीजिए, अर्थ का एग्जाम्पल लीजिए। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है चंद्रमा, मून। तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, और चंद्रमा इंग्लिश में मून, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो हम लोग कहते हैं कि मून इनडायरेक्टली रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अप्रत्यक्ष रूप से चूंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ऐसे स्थिति में आपका जो है मून, चंद्रमा सूर्य के अप्रत्यक्ष रूप से परिक्रमा करता है। क्वेश्चन नंबर टू यही पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट्स द सन इनडायरेक्टली, निम्न में से कौन सा सूर्य अप्रत्यक्ष रूप से परिक्रमा करता है? इसका सही आंसर है ई, कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। अब हम लोग डिस्कशन पे चलते हैं। डिस्कशन पे चलने से पहले, ये नेपट्यून है आपका वरुण ग्रह, और इसके यहां देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं, छोटे छोटे खगोलीय वस्तु हैं, और इसको हम लोग कीपर बेल्ट के नाम से जानते हैं। इसको ट्रांस नेपट्यून रीजन भी बोला जाता है, यानी नेपट्यून के पार का क्षेत्र। इसी नेपट्यून के पार क्षेत्र में, इसी कीपर बेल्ट में कुछ बौने ग्रह हैं, देयर सम ड्वार्फ प्लैनेट्स, और वो है एरीस, मेकी मेक, और इन्हीं पे हमारा क्वेश्चन है। होमिया जो एक ऑप्शन है, 285 पृथ्वी वर्ष लेता है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में, यानी ये प्रत्यक्ष रूप से परिक्रमा कर रहा है, डायरेक्टली इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। मेकी मेक जो आपका ऑप्शन है, ये भी कीपर बेल्ट में स्थित है, और ये 305 पृथ्वी वर्ष लेता है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में। इट टेक्स अबाउट 305 ईयर्स फॉर दिस ड्वार्फ प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन, सो इट ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन डायरेक्टली, ये भी ऑप्शन। एरिस, ये 557 पृथ्वी वर्ष लेता है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में, ये भी आपको कीपर बेल्ट में स्थित है। एरिस इज ऑल्सो अ ड्वार्फ प्लैनेट, एरिस एक बौना ग्रह है, एंड इट टेक्स 557 अर्थ ईयर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन, 557 वर्ष लेता है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में, तो ये भी प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की परिक्रमा करता है। इसलिए ये क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट्स द सन इनडायरेक्टली, होमिया ऑर्बिट द सन डायरेक्टली, मेक मेक
ऑर्बिट्स द सन डायरेक्टली, एरिस ऑर्बिट्स द सन डायरेक्टली. सो करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. निम्नलिखित में से कौन सूर्य का अप्रत्यक्ष रूप से परिक्रमा करता है? होमिया नहीं करता है, माके मेक नहीं करता है और एरिस नहीं करता है. तो इनमें से कोई नहीं. तो टू का सही ऑप्शन है ई, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं. क्वेश्चन नंबर तीन पे चलते हैं. व्हाई द अर्थ मून सिस्टम इज यूनिक. पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली अद्वित क्यों है? मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है. चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है. और यदि आप डायमीटर की बात करें, व्यास की बात करें चंद्रमा और पृथ्वी का, रेशियो निकालेंगे डायमीटर का, व्यास का, तो चंद्रमा का डायमीटर एक तिहाई से कुछ कम है. द मून इज लेस देन अ थर्ड ऑफ द विथ ऑफ अर्थ. और ये जो रेशियो है सबसे ज्यादा है, चाहे आप जुपिटर का प्लैनेट ले लीजिए, यूरेनस ले लीजिए, नेपच्यून ले लीजिए, आप सैटर्न ले लीजिए, वीनस मार्स ले लीजिए, सबसे ज्यादा जो रेशियो है वो अर्थ और मून का है. इस बेसिस पे शुरू शुरू में लोग को ये लगा था कि शायद ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट ही नहीं है. सो क्वेश्चन नंबर थ्री, Why the Earth Moon system is unique? Ratio of the diameter of the Moon to the diameter of the Earth is much greater than that of any other natural satellite planet ratio in the solar system. तो सही ऑप्शन आपका सी. सही ऑप्शन सी. पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली अद्वित क्यों है? पृथ्वी के व्यास के, चंद्रमा के व्यास का अनुपात सौर मंडल के किसी भी अन्य प्राकृतिक उपग्रह अनुपात से बहुत अधिक है. सही ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर थ्री का सही ऑप्शन है सी. क्वेश्चन नंबर थ्री का सही ऑप्शन है सी. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हेन वाज द सोलर सिस्टम फॉर्म्ड. सौर मंडल का गठन कब हुआ था? 4.6 बिलियन ईयर्स बिफोर. 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व. क्वेश्चन नंबर फोर का सही ऑप्शन है ए. हमारे सोलर सिस्टम जो फॉर्मेशन हुआ था ये गैस नेबुला से. नेबुला मींस अ क्लाउड कंसिस्टिंग ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स. और इसी से हमारा सोलर सिस्टम इन सन and the eight planets, asteroids and other astronomical bodies were formed. सौर प्रणाली का गठन गैस नेबुला से हुआ था. गैस नेबुला मतलब ऐसा बादल जिसमें धूल और धूलकण और गैस हुआ करते थे. और इसी के विघटन से, इसी के टूटने से आपका सौर, आठ ग्रह और बाकी खगोलीय वस्तु का निर्माण हुआ. और ये सारा कुछ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो ये हुआ. वेयर इज द मेजोरिटी ऑफ द सोलर सिस्टम मास इज कॉन्सेंट्रेटेड. सौर मंडल का अधिकांश द्रव्यमान कहां केंद्रित है? तो है सन, सूर्य. फाइव का सही ऑप्शन है ए. जो भी सौर मंडल का मैक्सिमम मास है वो आपके सूर्य में है और उसके बाद बाकी ग्रह में है. और उस बाकी ग्रह में 70% मास जो है, बाकी ग्रह का 70% मास जुपिटर में है, आपके जोवियल, आपके बृहस्पति ग्रह में है. हम लोग इंट्रोडक्शन में बात कर लिए थे कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या स्थलीय ग्रह या पार्थिव ग्रह
कौन से होते हैं, उसी को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय ग्रह है। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। कौन स्थलीय ग्रह है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। यानी दे आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, स्थलीय ग्रह है, पार्थिव ग्रह है क्योंकि दे आर लाइक अर्थ। इनको इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। इनका सरफेस होता है, इनमें धरातल होता है, रॉक्स के बने होते हैं, चट्टान के बने होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये सब जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता है। और इनकी इनका घनत्व याद रखिएगा, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का डेंसिटी ज़्यादा होता है, इनका घनत्व ज़्यादा होता है। मरकरी बुध ग्रह, शुक्र ग्रह विनस, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, ये चारों आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, स्थलीय ग्रह हैं, पृथ्वी जैसे ग्रह हैं। व्हाट आर द प्राइमरी कॉम्पोजिशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, स्थलीय ग्रहों की प्राथमिक संरचना क्या है। ये लोग रॉक और मेटल के बने होते हैं, चट्टान और धातु के बने होते हैं। सेवन का सही ऑप्शन है ए और बी, सेवन का सही ऑप्शन है ए और बी। एट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स आर नोन एज गैस जायंट्स। तो गैस जायंट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। निम्नलिखित में से कौन गैस दानव के रूप में, गैस दानव के रूप में जाना जाता है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। देखिए, माफ कीजिएगा, यूरेनस इज नोन एज आइस जायंट, नेपच्यून इज नोन एज आइस जायंट। आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, दे आर नोन एज आइस जायंट। यूरेनस और नेपच्यून, इसको हम लोग बर्फ दानव कहते हैं, बर्फ दानव, बर्फ दानव। जुपिटर और सैटर्न, क्वेश्चन नंबर एट ए एंड बी, जुपिटर एंड सैटर्न दे आर नोन एज गैस जायंट्स, दे आर नोन एज गैस जायंट्स। तो एट का सही ऑप्शन है ए और बी। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह गैस दानव के रूप में जाना जाता है, बृहस्पति और शनि, ए और बी। सी और डी, यूरेनस और नेपच्यून, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह को हम लोग जो है आइस जायंट, बर्फ दानव के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एट का सही ऑप्शन है ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर एट का सही ऑप्शन है ए और बी, याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर एट का सही ऑप्शन है एट, ए और बी। जुपिटर और सैटर्न मोस्टली दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम के बने होते हैं, इनको गैस दानव बोला जाता है। व्हाट इज द प्राइम, व्हाट आर द प्राइमरी कॉम्पोजिशन ऑफ गैस प्लैनेट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। नाइन का है प्राइमरी कॉम्पोजिशन हाइड्रोजन हीलियम होता है, अदरवाइज ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी आपको मिलेगा। बट क्वेश्चन इज प्राथमिक संरचना, गैस ग्रहों की प्राथमिक संरचना क्या है, तो वह हाइड्रोजन हीलियम। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, बट प्राइमरी कॉम्पोजिशन प्राथमिक संरचना हाइड्रोजन और हीलियम है। तो नाइन का सही ऑप्शन है ए और बी। टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स आर नोन एज आइस जायंट्स, यूरेनस एंड नेपच्यून दे आर नोन एज आइस जायंट्स। निम्नलिखित में से किस ग्रह को आइस जायंट या बर्फ दानव के नाम से जाना जाता है, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, यूरेनस और नेपच्यून। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है सी और डी, क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है सी और डी, क्वेश्चन नंबर 10 सही ऑप्शन सी और डी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द प्राइमरी कॉम्पोजिशन ऑफ आइस जायंट्स, जो हम लोग आइस जायंट या बर्फ दानव की बात कर रहे हैं, मुख्यतः किस चीज का बना होता है, वो बना होता है वाटर, अमोनिया और मीथेन। बर्फ जो दानव है बना होता है पानी, अमोनिया और मीथेन। 11 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस सभी विकल्प।
क्वेश्चन नंबर 12, एस्टेरॉयड बेल्ट, वेयर इज एस्टेरॉयड बेल्ट सिचुएटेड, क्षुद्रग्रह बेल्ट कहाँ स्थित है। ये देखिए, ये है आपका मंगल मार्स, ये है जुपिटर बृहस्पति ग्रह, इसके बीच में ये जो स्थान है, दिस एरिया इज नोन एज एस्टेरॉयड बेल्ट, इसी को हम लोग क्षुद्रग्रह घेरा या बेल्ट या पट्टी कहते हैं। तो वेयर इज एस्टेरॉयड बेल्ट सिचुएटेड, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्रग्रह घेरा क्षुद्रग्रह बेल्ट स्थित है। 12 का सही ऑप्शन है ए। 13, वेयर इज कीपर बेल्ट सिचुएटेड, कीपर बेल्ट कहाँ है स्थित है। ये देखिए, ये है आपका नेपट्यून या वरुण ग्रह, और इसके बाद नेपट्यून से परा, परा नेपट्यून, वरुण ग्रह से आगे बियॉन्ड नेपट्यून आपका ये कीपर ग्रह है। तो वेयर इज कीपर बेल्ट सिचुएटेड, बियॉन्ड नेपट्यून, 13 का ए। कीपर बेल्ट कहाँ स्थित है, नेपच्यून से परे, 13 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज सेडेनॉइड सिचुएटेड, सेडेनॉइड एक ऑब्जेक्ट है, खगोलीय वस्तु है, जो कीपर बेल्ट में आपको मिलेगा, तो नेपट्यून से परे, नेपट्यून के परे, बियॉन्ड नेपट्यून, 14 का ए। सेडनॉइड कहाँ स्थित है, ये खगोलीय वस्तु है जो नेपच्यून से परे आपको मिलेगा, 14 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ ड्रॉफ प्लैनेट, निम्नलिखित में कौन से बौने ग्रह के लिए सही है। देखिए, प्लैनेट यानी हम लोग बात करें ग्रह का, प्लैनेट का डेफिनेशन समझिए, प्लैनेट का डेफिनेशन ये होना चाहिए, ये होता है कि वो जो है अपने मास के कारण गोल हो जाए, है ना, इट शुड बी राउंड, और वो सूर्य के, ये है आपका सन, तो सन का डायरेक्ट ये रेवोल्यूशन करे, मतलब पहला कंडीशन प्लैनेट में होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ इट्स मास इट शुड बी राउंड, ये गोल हो जाना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि जब वो सूर्य की वो प्रत्यक्ष रूप से परिक्रमा करे, इट शुड डायरेक्टली रिवॉल्व अराउंड द सन। और तीसरा, उसके परिक्रमा रास्ता में कोई भी खगोलीय वस्तु नहीं होना चाहिए। पृथ्वी, अर्थ भी रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, तो उसके रास्ता में, उसके ऑर्बिट में, उसके पथ में कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। प्लूटो पहले एक प्लैनेट था, प्लूटो को पहले हम लोग ग्रह के श्रेणी में रखते थे, अब उसको बौना ग्रह क्यों बताया गया। प्लूटो गोल था, अपने मास के कारण ये गोल था, ये सूर्य के चारों तरफ प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली ये रिवॉल्व भी करता था, लेकिन चूंकि आप देखेंगे प्लूटो जो है कीपर बेल्ट में होके जा रहा है, तो बहुत सारे छोटे छोटे खगोलीय वस्तु उसके रास्ते को डगमगाते थे, डाइवर्ट करते थे, रोकते थे, इसलिए प्लूटो को ग्रह के परिभाषा से, प्लैनेट के डेफिनेशन से हटा के एक नया श्रेणी बनाया गया, जिसको बोला गया ड्वार्फ प्लैनेट, है ना। तो चलिए, इसी के आधार पे, ये जो हम लोग डिस्कशन किए हैं, इसी के आधार पे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट इज अ प्लैनेट, रॉन्ग, इट इज नॉट अ प्लैनेट, इट इज अ सैटेलाइट, रॉन्ग, इट इज इन डायरेक्ट ऑर्बिट ऑफ द सन, यस इट इज इन डायरेक्ट ऑर्बिट ऑफ द सन। निम्नलिखित में से कौन बौने ग्रह के लिए सही है, ये ग्रह है, नहीं गलत, ये गलत है, ये ग्रह नहीं है, ग्रह के परिभाषा में नहीं आता, ये एक उपग्रह है, ये भी गलत है, ये सूर्य की सीधी कक्षा में है, ये आपका सही है। तो सही ऑप्शन हो गया सी 3 ओनली, सही ऑप्शन सी 3 ओनली। चलिए, इसके साथ ही हमारा खगोलीय विज्ञान एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। मेहनत कीजिए, हम लोग सही रूप से, सही डायरेक्शन से हर एक चीज़ को ढंग से पढ़ के, कॉन्सेप्ट क्लियर करके 140 BPSC PT में 140 लेके ही आएंगे,
आप देखिएगा जब क्वेश्चन, जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, आप अपने क्वेश्चन पेपर को मिलाइएगा, आपका जो 15,000 जो क्वेश्चन आप किए होंगे हर एक टॉपिक वाइज को इतना कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स के अनुसार किस तरह से डायरेक्टली आपको मदद करता, और नेक्स्ट डे से ही मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए। इसी के साथ अब की बार 140 के पार। थैंक यू, गुड नाइट।